हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो गाइस आ जाइए, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4th समझाने जा रहा हूँ। तो आ जाइए, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेंड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो गाइस, इसमें बोला जा रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की जो लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है, ठीक है, और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो इनमें बोला गया है जो आंकड़े हमें मिले हैं उसको एक सारणी के रूप में हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है, यानी कि निरूपित करना है। तो गाइज, आपको साफ साफ पता है इसमें क्या करना है। हम अभी मीडियन का चैप्टर कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमें निकालना है मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। मैंने इसमें जानबूझ के नहीं लिखा, जिससे आप लोग को भी थोड़ा लगे कि यार इसमें ऐसा क्या है। वो इसलिए नहीं लिखा था, पहले नंबर का क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको कम से कम ये लगेगा कि हाँ समझ में आ गया। अब मीडियन निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, CF चाहिए होता है। अब यहाँ पे CI क्यों लिखा है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर इसने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी वो समझ गया होगा ये CI क्या है, ठीक है। तो इसका अपडेटेड वर्जन, अब उनके मन में ये डाउट हो रहा होगा इसका अपडेटेड वर्जन क्यों, मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर है ना 118 से 126 है, लेकिन यहाँ देखिए 126 से स्टार्टिंग नहीं है। और क्लास इंटरवल में अगर ऐसा होता है तो हमें पहले ये सही करना होता है, तभी जाके हम आगे कर सकते हैं। तो देखो, इसमें फ्रिक्वेंसी इफ़ेक्ट नहीं होगी, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ब्लो आफ्टर ऐसी कंडीशन होती है तो फ्रिक्वेंसी भी इफ़ेक्ट होती है, अदरवाइज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो अच्छी बात है कि फ्रिक्वेंसी इफेक्ट नहीं होगी, तो आपको इजी पड़ेगा कि नहीं इजी। अब बात आती है कि इजी तो पड़ गया, अब बात आती है कि हमें जी कैसे सही करें। देखो, यहाँ पर 126 और 127 है, हमें जी सही करना है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जानना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1। कितना है? 1। 1 का है तो 1 का क्या कर दो, आधा कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड मार दो, कितना आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा 0.5। अगर 0.5 आ जाता है तो देखो क्या करना है, 0.5 को आपको पहले नंबर, यहाँ क्या करेंगे, 0.5 को आप पहले नंबर माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे। ऐसा क्यों माइनस और प्लस, और किस में, इन नंबरों में, लोअर लिमिट में आप माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे, यानी निम्न स्तर में माइनस, उच्च स्तर में प्लस। तो निम्न स्तर 118 है, इसमें माइनस करेंगे 0.5, तो कितना आएगा 117.5 से लेकर 126 में प्लस करेंगे तो 126.5। थोड़ी जगह का प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ख्याल से एडजस्ट करनी पड़ेगी थोड़ी। ऐसे ही 0.5 को इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा इसमें माइनस करने पर, 126.5 माइनस, से डैश लगाया, 135 में प्लस करेंगे तो 135.5। आ गया आपको समझ में? तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हो गया, और देखो यहाँ 126.5 अरेंज हो रहा है ना। इस तरीके से क्या करना, सभी करेंगे तो हम टाइम बचाने के लिए फटाफट कर देते हैं, आप लोग भी अपने आप जल्दी जल्दी कर लें। सो गाइज, आपके सामने मैंने लिख दिया है, आप लोगों ने, मेरे को लगता है कि आपने लिख ही लिया होगा, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, जैसा कि जी हो गया, अब हमें निकालना है CF क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे मीडियन निकालना है। तो मीडियन में क्या बोलता है, मीडियन का फॉर्मूला बोलता है L1 प्लस एन अपॉन के 2 माइनस CF अपॉन फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, आ जाएगा मल्टीप्लाई में H। आप सभी जानते ही होंगे हमें क्या करना है, CF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। CF निकालने के लिए पहले नंबर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखो CF निकालने का मैं बता देता हूँ, स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन के 2, तो यहाँ पे n चाहिए, तो n कैसे निकलेगा CF के बाद। CF निकालने के क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एज इट इज़ रहेगा, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, 7, 8। ये नियम कहता है जो यहाँ पर इसको पहले नंबर को ऐसे ही रख देते हैं, फिर पहले वाले नंबर को इसके दूसरे नंबर से जोड़ेंगे, फिर जो यहाँ नंबर आएगा उसको इसके दूसरे नंबर से जोड़ेंगे, जैसे 5 और 3 8, फिर 8 आ गया, 8 और 9 कितने हो गए, 8 और 16 17, ठीक है। ऐसे ही 17 और 12 कितने हो जाएंगे, 29, 29 और 5 कितने हो जाएंगे, 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, क्या आ गया, 40, ठीक है गाइस। तो 40 अपना क्या हो गया, n, जो भी CF निकालते हैं उसके लास्ट वाला नंबर होता है n।
अब n हो गया 40, तो 40 यहाँ रखेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड मारेंगे, कितना जगह 20, तो ये 20 टर्म है अपनी, क्या है टर्म, ठीक है। तो 20 टर्म है, यहाँ पे देखना पड़ेगा CF में कि CF में 20 नंबर से कम चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा, तो ज़्यादा वाला नंबर कौन सा है मुझे देखना है। तो 20 नंबर से कम तो 17 मिल रहा है, लेकिन 17 से ज़्यादा कौन है, 29 है ना, तो और 29 से कम है अपना 20, यानी कि 20 17 और 29 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 17 20 से छोटा है, लेकिन 20 से बड़ा कौन है, 29, तो 20 से जब बड़ा 29 है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हमें क्या करना है, 29 को लेंगे, 29 के इस साइड जो भी फ्रिक्वेंसी है वो अपनी हो जाएगी एफ मतलब जे, और फिर इसके साथ जो भी क्लास इंटरवल है वो अपना हो जाएगा L1 और L2। अब यहाँ ज़रूरत किसकी है, L1 की, तो L1 अपना क्या हो गया, अपना 144.5, क्लियर, 144.5, तो L1 हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं L1 अपना हो गया 144.5, फ्रिक्वेंसी हो गई अपनी 12, फ्रिक्वेंसी अपनी हो गई 12, ठीक है, एंड फ्रिक्वेंसी के साथ साथ अब अपन को क्या मिल चुका है, एन भी अपन को मिल गया, एन कितना अपना 40, एच कितना है, एच आप जानते हो इन दोनों का डिस्टेंस बोला जाता है, तो भाई साहब ये बता दो एच के लिए इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों का डिस्टेंस मेरे अंदाज में देखा जाए तो यहाँ पर बता रहा है 9, कितना बता रहा है 9, ठीक है। अब बात आती है कौन बचा अपना, L1 हो गया, F हो गया, N हो गया, H हो गया, तो CF बचा, CF कौन होगा, CF वाली लाइन में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, यहाँ सॉरी 20 से बड़ा नंबर अपन ने जो सिलेक्ट करा था कौन सा था, 29, तो 29 के ऊपर वाला जो भी नंबर होगा वो अपना CF कहलाता है, यानी कि जो CF है, ठीक है, फॉर्मूले का नियम है इसलिए मैंने आपको बता दिया। 17 हो गया, ठीक है, अब पुटिंग कर दो वैल्यू, क्या करना है, पुटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, L1 है 144.5 प्लस एन अपॉन के टू, अपन ने यहाँ निकाल दिया काट के, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 20, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने शो करा आप भी शो करेंगे तो, अदरवाइज आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, CF कितना है 17, फ्रिक्वेंसी है 12 और H यानी कि 9 हो गया, ठीक है, इतना आ गया समझने। अब आपको क्या करना है, 20 में से 17 का कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, कितने 3, 144.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 12, 144.5 प्लस 9 3 18 अपॉन 12, इसको चाहो तो अभी थोड़ा सा काट सकते हो, कैसे काट सकते हो बता देता हूँ, 2 6 12, 2 9 18, ठीक है। अब आ कितना गया अपना, ये 144.5 प्लस 9/6 आ गया, 9/6 आ गया, ये भी कर सकते हैं क्या, 3 2 6, 3 3 9, तो कितना आ जाएगा अपना 144.5 प्लस 3/2। अब ये तो भाई आप जानते ही हो कटेगा नहीं, तो सीधा सीधा बता देता हूँ, 2 से डिवाइड मार रहे हो यानी कि आधा हो जाएगा, तो ये जैसा भी आए इसकी वैल्यू तो काट के आप इसको डिवाइड मार लेना, तो काटने के बाद मैं आपको बता देता हूँ आपकी अप्रॉक्स वैल्यू आनी चाहिए, तो 2.25 कितनी आनी चाहिए, 2.25, ठीक है, 2.25 कैसे, देखो 2 1 2 2 2 4 होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स अपन बता रहे हैं। सो गाइस कुछ एरर आने के कारण मेरे है ना कुछ फॉल्ट हो गया, तो इसी रीज़न से मेरी इतनी वीडियो जो लास्ट में मैंने समझाई थी वो एकदम कट गई, तो इसलिए मैंने कैसे भी एडजस्ट करके अब आपको दोबारा से मैं थोड़ा जो लास्ट का टॉपिक जो कट गया था वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर डैश लगाया इजिकल्स टू में 144.5 प्लस के मैंने लिख दिया 27/12, क्योंकि 9 3 इंटू करा 9 3 तो 27, 12 नीचे आ गया, एंड यहाँ पर तो 27/12 था जिससे मैंने 3 के पाले से काटा, 3 4 12, 3 9 27, क्लियर। अब आती है यहाँ पर बारी कि यहाँ नीचे एज इट इज उतारा 144.5 प्लस 9/4 था, अब 9/4 को डिवाइड मारने के लिए आप चाहो तो जी नियम भी ले सकते हो यहाँ पर 4/9, लेकिन आप इस तरीके से ही करेंगे, मैंने अपने मन से कर दिया 4 का डिवाइड मारा, तो 4 4 4 4 2 8, 9 में से 8 गए, एक बचा, एक में अपन 0 लगाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा हासिल में, ठीक है। तो फिर उसके बाद है ना मैंने डिवाइड मारा, तो डिवाइड मारने के बाद मैंने निश्चय निकला कि
फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट दोबारा आया, तो 10 में से 8 गए, 2 बचे, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है, क्योंकि 4 टू जा 8 लिया था ना इसलिए। फिर 2 बचेंगे, फिर वहाँ पे 0 अपने मन से लगा दिए, यहाँ 10 दशमलव नहीं लगेगी क्योंकि एक बार लग चुकी है, ठीक है। एंड तो 4 5 जा 20, तो ऐसा आ गया 2.25। आप अपने आप से भी एक बार करके देखेंगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आया ना। तो ऐसा करके 2.25 आया, तो 4.5 प्लस कर दिए 2.25 में, तो ऐसे करके 146.75 आ गए अप्रॉक्स, क्या अप्रॉक्स, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आपको समझने आ गया, मेरे ख्याल से इसे अप्रॉक्स नहीं कहेंगे, क्यों पता है क्यों, क्योंकि अपन ने जो डिवाइड मारा है ना, डिवाइड एज इट इज पढ़ा है, अप्रॉक्स नहीं पढ़ा है, तो ये आंसर एकदम क्लियर है, ये अप्रॉक्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अप्रॉक्स मत मान लेना, मैंने तो मन से बोल दिया, आप लोग जिन्हें सोचो कि मन से मान लें ऐसा बोल लें ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2.25 हो गया, इसे टोटल करा तो इसमें इतना आ गया। गाइज अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझने नहीं आया या कोई दिक्कत आई, फॉल्ट आया, तो आप मुझे कमेंट्स में करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी से पूरी मदद करूँगा, ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप लोग गुड लक एंड बेस्ट विशेष।